सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विषय चल रहा है अस्तेय, अहिंसा सत्य अस्तेय। तो चोरी का भाव हमारे मन में ना आए, किसी के भी वस्तु की, किसी के भी स्थान की, किसी स्त्री की अथवा किसी पुरुष की। जो पतिव्रता नारी है उसके लिए यह एक मर्यादा है, एक व्यवस्था है कि वह पर पुरुष का भी कभी स्मरण, वह गलत भावना से यदि उसकी इच्छा करती है तो वह चोरी ही एक प्रकार की। यदि किसी के धन की हम इच्छा करते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं, किसी के वस्तु की इच्छा करते हैं, उस वस्तु की प्राप्ति के लिए हम श्रम नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते हैं, कोई पुरुष किसी पर स्त्री की इच्छा करता है, पर वस्तु की इच्छा करता है, पर धन की इच्छा करता है, तो यह भी चोरी है। और किसी को भी, जैसे हमने कहा कि मन से तो हम विचार करते हैं, सोचते हैं, इच्छा करते हैं, मन में कोई चीज आती है और कभी कभी वाणी में आ जाती है। यदि अकेले हैं तो वाणी में ना करके वो सीधा क्रिया में रूपांतरित हो जाती है। तो किसी भी स्वामी का कोई वस्तु कहीं पर स्थित है, आप उसकी बिना आज्ञा के यदि उठाते हैं तो यह भी चोरी है। यदि हम देखते हैं अपने व्यवहार में, यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, तो इस भाव को हम कभी अपने आचरण में नहीं ला सकते, अस्तेय का पालन नहीं कर सकते। अनेक बार ऐसा होता है कि खाने पीने की वस्तुएं रखी होती हैं और बस चलते चलते लोग उठाए और खा लिए। इसमें पूछने की क्या बात है, तो खाने पीने की चीज इसमें क्या है, चोरी? खाने पीने में कोई चोरी नहीं होती है, ऐसा लोग कह करके अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह चोरी है, किसी की वस्तु कहीं रखी है और उसको अपना दो हिस्से मिले, अपना हिस्सा तो खा लिया और फिर दूसरे का हिस्सा बचा हुआ है और उसको भी उठा करके खा लिया बिना पूछे, यह भी क्या है, चोरी है। हम स्वभाव को यदि ठीक नहीं करेंगे तो यही चोरी फिर बड़े बड़े दोषों को कराती है। चोरी का कल कुछ आपके सामने इसका भाव क्या है, जो अस्तेय है, स्तेय है, दोनों को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं, चोरी करना और चोरी ना करना क्या है। कल के कक्षा में किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जी ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, आपने बताया ये कि भाव और इच्छा अगर चोरी का हो तो नुकसान करता है, पर जैसे फैमिली में रहते, एक फैमिली में तो एक सहज भाव जुड़ जाता है फैमिली से, तो वहाँ फैमिली में किसी के रूम में या किसी के कोई सामान रखा हुआ है तो अगर ले ले तो वो चोरी नहीं कहलाता है। उसी प्रकार अगर यहाँ आज गुरुकुल में रह रहे हैं, प्रकोष्ठ में रहते हैं तो सभी भाई हैं, तो उसका सामान ले लेना बिन पूछे, एक सहज भाव जुड़ जाता है वहाँ पे, तो फिर बिन पूछे ले लेना चोरी कहलाता है। बिल्कुल
बिना पूछे यदि आपने ले लिया है, भले ही आपका भाव अच्छा है, हिंसा तो हो गई ना। बहुत सूक्ष्मता से हम इस बात का ध्यान रखें कि हमसे किसी का कोई नुकसान ना हो, कोई कष्ट ना हो। एक उदाहरण देता हूं आपको। जैसे हम किसी सभा में जाते हैं, किसी कार्यक्रम में जाते हैं और लोग बहुत ही व्यवस्थित रूप से कुछ रखते हैं, कुछ अव्यवस्थित रूप से रखते हैं, जूते चप्पल रख देते हैं। आपका सगा भाई आपको बिना बताए आपके जूते पहन करके थोड़ी दूर चला जाए, थोड़ी देर के लिए चला जाए और उसी समय आप आ जाए वहां पर और वहां सैकड़ों चप्पल जूते रखे हुए हैं। आप ढूंढ रहे सब जगह लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, आपको कष्ट होगा कि नहीं होगा? मानसिक हिंसा हुई कि नहीं हुई? तुरंत मन में आया कि कोई चप्पल मेरे ले गया, चुरा ले गया। तो हिंसा इससे होती है, व्यक्ति का स्वभाव खराब होता है। ऐसे हम प्रातः काल से सायं पर्यंत अनेक दोष करते हैं। यदि हम इसको ये कहें नहीं आपस में सब चलता है, आपस में यदि सब चलता है तो इसको आप रोक नहीं सकते और इस व्यवहार से आप अछूते नहीं रहेंगे, आपके व्यवहार में लापरवाही आ जाएगी। अरे सब चलता है, कोई बात नहीं। अभी खान पान की बात चल रही है, खान पान में ठीक है, घर में एक दूसरे का खाते हैं, कोई बात नहीं। परंतु यदि कोई जिसकी क्वांटिटी कम है, अपना हिस्सा तो खा लिया मैंने कहा और दूसरे का हिस्सा बचा हुआ वो है नहीं और उसको भी खा लिया, उसको बाद में पता चला कि अमुक कोई चीज बटी थी और वो मेरा हिस्सा भी मिला था और वो किसी ने खा लिया, भले ही वो ऊपर से कहने नहीं ठीक है लेकिन उसको एक बार कष्ट तो होगा ही होगा कि ये वस्तु मिली थी तो मुझको भी मिलनी चाहिए थी। जैसे सबको च्यवनप्राश का डिब्बा एक एक मिला और किसी ने उसका हिस्सा खा लिया, अपना हिस्सा भी खा लिया और कहीं वो बाहर चला गया, तो डिब्बा सामने रखा है तो बार बार मन उधर ही जा रहा है, बार बार मन जा रहा है क्योंकि मैंने कहा इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है और बिना पूछे उसका च्यवनप्राश का डिब्बा ले लिया और पूरा च्यवनप्राश हजम हो गया। जब व्यक्ति आता है तो उसको भी लगता है च्यवनप्राश तो सबको बटा था और च्यवनप्राश मेरा च्यवनप्राश कहाँ है। भले ही ये भाव है कि नहीं खाया है कोई बात नहीं, लेकिन एक मानसिक हिंसा होती ही कि नहीं होती। इसलिए चाहे वस्तु के खाने पीने की वस्तु हो, चाहे अन्य कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, हमको ऐसी जो है आदत, ऐसा स्वभाव हमको बनाना चाहिए कि हमसे कभी भी त्रुटि ना हो। हाँ यदि लगता है तो आप आज्ञा लेकर के उस कार्य को करें। जी आगे चलें। महर्षि मनु भी इसके विषय में लिखते हैं कि यह चोरी का लक्षण क्या है। यह साहस जो शब्द है, यह साहस शब्द अभी तो बहुत उत्साह के रूप में आता है परंतु पहले कुछ जो है नकारात्मक उसमें था। अभी आप इसको श्लोक को लिखें और समझने का प्रयास करें कि वस्तुतः चोरी का भाव क्या होता है, उसके लक्षण क्या है। स्यात् साहसम् स्यात् साहसम् त्वन्यवत्। स्यात् साहसम्,
उत्पन्न हुआ यवत। प्रसभम कर्म यत् कृतम्, प्रसभम कर्म यत् कृतम्, यत् कृतम्। आगे कह रहे हैं निरन्वयम् निरन्वयम् भवेत्स्तेयम्, हित्वा अपव्ययने चयत्। हित्वा हित्वा अपव्ययने चयत्। एक बार उच्चारण करेंगे, स्यात् साहसं त्वन्य यवत् प्रसभं कर्म यत्कृतं निरन्वयं भवेत्स्तेयम् हरत्वा अपव्ययने च यत्। पुनः स्यात् साहसं त्वन्य यवत् प्रसभं कर्म यत्कृतं निरन्वयं भवेत्स्तेयम् हरत्वा अपव्ययने च यत्। कह रहे हैं कि स्यात् साहसम्, जो अन्य यवत् किसी वस्तु जिसकी है, किसी वस्तु के स्वामी के सामने प्रसभम यत् कर्म कृतम्, प्रसभम यत् कर्म कृतम्, जो बलपूर्वक बलात् जो लूट डाका अथवा हत्या करके कर्म किया जाता है, साहसम स्यात् वह साहस, डाका डालना या बलपूर्वक किसी का जो है पराभव करना, किसी को लूट लेना, बलात्कार एक विशेष अर्थ में लोग अब लेने लगे हैं। बलात्कार का तात्पर्य यही है कि बलपूर्वक किसी के साथ जोर जबरदस्ती करके किसी के धन की, किसी के मान की, किसी की जो है किसी के सम्मान या आबरू का जो है नाश कर देना। इसलिए यहां जो साहस शब्द का अर्थ है वह गलत अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अभी तो साहस बहुत साहसी बालक है ऐसा बोल देते हैं, परंतु व्याकरण में इसका साहस जो है वह साहस का तात्पर्य दुस्साहस भी बोलते हैं, मतलब जो विशेष किसी का पराभव करना, किसी को जो है
दबा देना, बलपूर्वक किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना, ऐसा साहस में आता है। और निरन्वयम भवेत तेयम, जो स्वामी के पीछे छुपाकर किसी वस्तु को लेना, अर्थात स्वामी उसको देख ना पाए, स्वामी से हम बिना आज्ञा के, बिना पूछे किसी वस्तु का जब हम ग्रहण करते हैं, उसको हम लेते हैं सामने या परोक्ष रूप में, सामने बिना पूछे ले लिया तो उसको तो ये कष्ट तो है ही है, लेकिन बिना पूछे चुपचाप चोरी से ले लिया वो भी है, और बिना पूछे उठा करके प्रयोग कर लेना ये भी चोरी की श्रेणी में आता है। तो उसको ले करके और फिर मुकर जाना, मुकर जाना मतलब अस्वीकार कर देना कि यह वस्तु मैंने ली भी है, अथवा चुरा करके भाग जाना, यह क्या कहलाता है? स्तेयम, यह स्तेय कहलाता है, अर्थात चोरी कहलाता है। चोरी का जो भाव है यह विशेष अर्थ यहां पर दे रहा है कि किसी वस्तु का हम जब ग्रहण कर लेते हैं उस मालिक के बिना पूछे, अथवा उसकी अनुपस्थिति में हम लेकर के भाग जाएं, अथवा पूछने पर उसको ना बताएं, यह चोरी है। और साहस और चोरी का जो है लक्षण विशेष अर्थों में यहां पर बताया है। आचार्य चाणक्य भी इस पर विशेष लिखते हैं कि साहसम अन्वयवत प्रसमम कार्यम निरवयस्तेयम अपव्ययनेच, कि स्वामी या पीड़ित के सामने बलपूर्वक कोई अपराध करना, साहस शब्द का जो अर्थ है मैं पुनः दोहरा रहा हूं क्योंकि लोक में अभी साहस का अर्थ दूसरा लगाते हैं, परंतु आचार्य चाणक्य और मनुस्मृति में महर्षि मनु ने और भी जो व्याकरण है अन्य संस्कृत के जो साहित्य मिलेंगे आपको, तो साहस वहां पर विभिन्न अर्थों में आता है। विशेष यहाँ पर इसका अर्थ ये दिया है कि स्वामी या पीड़ित के सामने बलात् अर्थात बलपूर्वक कोई अपराध करना, यह साहस कहलाता है। अच्छा, तेरा ये दुस्साहस किया। और दूसरा, छुपकर वस्तु आदि चुराना या ली हुई वस्तु से मुकर जाना, ये चोरी कहलाता है। यदि चोरी कर भी ली है तो उसको क्या करना है? स्वीकार करना है। इसे कैसी विचित्र बात है, जब स्वीकार करना है तो चोरी क्यों करेगा? लेकिन महर्षि मनु कहते हैं कि यदि चोरी कर ली है और उसने स्वीकार कर लिया है तो वह स्ते नहीं होगा। फिर भाई उसने स्वीकार कर लिया है, मेरी बातों पर विशेष ध्यान दीजिए। यदि किसी ने किसी की रखी हुई वस्तु खा ली है तो आने पर उसको बता दे कि मैंने खा लिया है तो यह चोरी नहीं होगी। चलो भाई ठीक है, खा लिया तो कोई बात नहीं। लेकिन खा भी लिया और उसको बता भी नहीं रहे, उससे छिपा रहे हैं, तो यही चोरी है। यदि आपको आवश्यकता थी किसी वस्तु की और मालिक नहीं था, उसकी वस्तु का आपने प्रयोग कर लिया और आने पर उसको बता रहे हैं, तो यह चोरी नहीं होगी क्योंकि उस समय आपकी आवश्यकता थी और आप निश्चल भाव से, कोई छल से नहीं, निश्चल भाव से उसका प्रयोग किया है, तो उसकी हिंसा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। तो यहां पर विशेष बात यह कही कि चोरी का क्या लक्षण है और चोर का विशेष कर्तव्य क्या है, कि वह यदि किसी कारणवश ली है वस्तु तो महर्षि मनु कहते हैं कि वह चाहता है कि मैं इस पाप से बचूं। चोरी का जो कुकृत किया है अथवा जो नहीं करना चाहिए उसने कर लिया है, तो चोर की स्वयं की प्रायश्चित की विधि यहां पर महर्षि मनु लिख रहे हैं कि यदि हो भी जाए चोरी किसी कारणवश, अज्ञानता में, अभाव में,
अथवा किसी प्रकार से अश्रद्धा में कभी कभी हमसे कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, तो प्रायश्चित के लिए भी बहुत अच्छी बात यहाँ पर महर्षि मनु लिख रहे हैं कि हमारे स्वभाव में हम जानबूझ करके नहीं करते, कभी त्रुटि बस हो जाती है, गलती हो जाती है और बाद में पता चलता अरे ये तो चोरी है। यदि चोरी है तो फिर पश्चाताप करें, उसको स्वीकार करें, उस स्वीकार करेंगे तो आपका उद्धार होगा। कई इतने लोग होते हैं कि स्वीकार ही नहीं करते, चोरी का चोरी किया ऊपर से, चोरी चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये ऐसी लोग कहावत कह देते हैं। क्यों? क्योंकि त्रुटि भी की है और उसको स्वीकार भी नहीं कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है, महर्षि मनु लिख रहे हैं, लिख लीजिए। चोरी की, यदि चोर चोरी कर लिया है और उसको लगता है कि ये तो बहुत गलत कार्य किया है, तो उसके पश्चाताप के लिए विशेष यहां पर संकेत कर रहे हैं। राजा स्तेनेन गंतव्यो, बिरले लोग ऐसे होते हैं जो गलती को स्वीकार करते हैं। जिन्होंने गलती स्वीकार कर ली है उनका ही उत्कर्ष होता है। राजा स्तेनेन गंतव्यो, मुक्त केशेन धावता, ऐसे बिरले लोग मिलेंगे जो बात यहां पर कही जा रही है। आगे कह रहे हैं, आज चक्षेणेन आज आचक्षेण आचक्षाणेन तत् तेयम् तत् कर्मास्मि शाधि माम। बहुत अच्छी बात यहां पर कह रहे हैं, तेयम् एवं कर्म उच्चारण करेंगे। राजास्तेनेन गंतव्यो मुक्तकेशेन धावता,
आचक्षणेन तत्स्तेयम् एवं कर्मास्मि साधिमाम्। कह रहे हैं आपको इससे सीख लेनी चाहिए, यदि चोरी करने के बाद स्वयं उसका अपराध यदि वह स्वीकार कर रहा है, उसको बोध हो गया कि मेरे से गलती हो गई है, तो उसको एक विशेष मुक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं महर्षि मनु। कह रहे हैं कि स्तेनेन, जो चोर है उसको जो है, चोर को चाहिए कि वह मुक्त केशेन धावता, बाल खोल करके वह दौड़ता हुए, दौड़ लगा करके तत्स्तेयम् आचक्षणेन, उसने जो चोरी की है उसको कहता हुआ कि मैंने चीज चुराई है, चुराई है, चुराई है। बड़ा कठिन काम है ये, मैंने अमुक वस्तु की चोरी की है और उसको राजा के पास जाना चाहिए, राजा गंतव्यः, राजा के समीप जाना चाहिए या न्यायाधीश के पास जाना चाहिए और ये कहे कि एवं कर्मा अस्मि, मैंने ऐसी चोरी का काम किया है, मैं अपराधी हूं, माम साधी, माम साधी, मुझे दंड दीजिए। ये कितना कठिन काम है, कोई चोरी भी करे और उसको स्वीकार करके प्रायश्चित करने के लिए अमुक व्यक्ति के जो उसका अधिकारी है उसके पास जाकर के उसको स्वीकार करे, ये बहुत बड़ी बात है आज के इस समय में। लेकिन ऐसी घटनाएं हमको सुनने मिलती भी हैं कि किसी कारणवश उसका आवेश या उसकी आवश्यकता या उसकी व्यवस्था उसको उस कार्य के लिए विवश कर देती है और बाद में जब वह होश में आता है तो उसको बड़ा कष्ट होता है, गलानी महसूस होती है और वह प्रायश्चित करने के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है। ऐसा व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है और उसका दंड भी कम हो जाता है। और जिसने स्वीकार नहीं किया, कई सबूत मिटाने के लिए बढ़ते रहते हैं तो उनका दंड बढ़ता रहता है। इसके चर्चा हम आगे और करेंगे, अभी यहीं पर विराम दे रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।